दिल्ली से कहाँ कहाँ जाने के लिए ट्रेन चालू हुआ है वो मैं आपको दूसरे वीडियो में बता दूंगा। वीडियो आपको आई कार्ड पे क्लिक करके मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टिकट बुक करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल का प्ले स्टोर खोल लीजिए। मैंने मोबाइल में अपना प्ले स्टोर खोल लिया। उसके अंदर आपको सर्च करना है आई आर सी टी सी। सर्च कर लीजिए, देखिए आ गया IRCTC रियल कनेक्ट। मैंने पहले से डाउनलोड कर लिया है तो आप डाउनलोड कर लीजिए। इस पर मैं ओपन पर क्लिक करता हूँ। इसके अंदर आपको परमिशन अलाउ कर देना है, अलाउ कर दीजिए। देखिए ये बताया जा रहा है आपको, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कब कब ट्रेन चालू होगी। निकल गया इंडियन रेलवे प्लान टू ग्रेजुअली रिस्टार्ट द पैसेंजर, यानी कि जो 30 ट्रेनें चालू की गई हैं कहाँ कहाँ से, न्यू दिल्ली स्टेशन से अगरतला, डिब्रूगढ़, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम। यहाँ से देख लीजिए हिंदी में लिखा है कि आपको क्या क्या करना है। फेस मास्क का प्रयोग करना आवश्यक है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना है, हाथों को बार बार धोए। भारतीय रेलवे की योजना है कि चरणबद्ध 12 मई 2020 से 15 जोड़ी ट्रेनों को 30 वापसी यात्रा के साथ यात्री ट्रेन संचालन को फिर से शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली स्टेशन से डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, माडगांव, मुंबई ट्रेन सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी को जोड़ने वाली इन ट्रेनों को विशेष ट्रेन के रूप में चलाया जाएगा। इन ट्रेनों में आरक्षण के लिए बुकिंग 11 मई को शाम 4 बजे से शुरू होगी और केवल IRCTC वेबसाइट या उसके ऐप पर ही आप टिकट बुक कर सकते हैं। खान पान सेवा उपलब्ध नहीं है, आप खुद को खान पान रखना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी पड़ेगी, खाना अपने साथ लेकर आएँ। उसके बाद में ओके पे क्लिक कीजिए। ओके के ऊपर जो ऑप्शन एक कारण पर लिखा लॉगिन, इस पर लॉगिन पर क्लिक कर दीजिए। आप क्लिक करने के बाद अगर आपने सबसे पहले यूजर आईडी बना लिया तो अच्छी बात है, तो रजिस्टर पर क्लिक कर लीजिए। आपको यूजर आईडी बनाना पड़ेगा तभी आपको यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद में आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पर मोबाइल डालने के बाद में अपना एक ईमेल आईडी डाल लीजिए। यहाँ पर मैंने अपना ईमेल आईडी डाल दिया। आपको एक यूजर ना ईमेल डालने के बाद में आपको एक यूजर आईडी यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा। यूजर आईडी ऐसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, मतलब कुछ किसी मैच ना करे। तो मैं जैसे कि मैं अपने चैनल का नाम डाल दे रहा हूँ टेक, ऐसे सारे डाल दूँगा मैं। देखिए मैं डाल रहा था श्याम सुंदर, लेकिन ये नहीं ले रहा है, देखिए लिख रहा नहीं ले रहा है ना, इसका मतलब पहले से बन चुका है इसलिए नहीं ले पा रहा है। तो आपको कुछ यूनिक डालना पड़ेगा। आपको जैसे अपना नाम डाल दीजिए श्याम, ऐसे अपना जो आपका नाम हो, जैसे मेरा नाम श्याम है, तो आप अपना मोबाइल का लास्ट 2 डिजिट या बीच वाला डिजिट, मतलब कुछ भी ऐसे डाल दीजिए। तो काम नहीं कर रहा है, तो मैं अपना चैनल का नाम डाल दे रहा हूँ, वो यूनिक ही चैनल है मेरा। देखिए मैं डाल दिया टेक SS, अरे देख ले लिया। अब आपको पासवर्ड चूज करना है। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए और इस्माल होना चाहिए। इसके बाद में आप 1 2 3 लगा सकते हैं, जैसे मैंने चूज कर लिया पहला अक्षर कैपिटल, फिर श्याम, फिर 1 2 3, ऐसा आपको भी चूज करना है। ऐसा नहीं कि आप कैपिटल SHYAM फिर बीच में @ लगाए या कोई भी स्पेशल करेक्टर नहीं लगा सकते। अपने यहाँ पर नाम डाल दीजिए, आपका फर्स्ट नेम क्या है, तो मैं अपना नाम डाल दे रहा हूँ श्याम सुंदर डाल दे रहा हूँ श्याम। अब मिडिल नेम मेरा नहीं है तो मैं मिडिल नेम नहीं डालता हूँ, तो मैं अपना सुंदर डाल दे रहा हूँ। इसके अंदर आपको ये दिया है डेट ऑफ बर्थ, आपको चूज करना है आपका जन्मतिथि कितना है, जन्मतिथि चूज कर लीजिए। मेरा है 1999। इसके अंदर आपको जाना अक्टूबर पर, देखिए बगल वाले इसे क्लिक करके 2 अक्टूबर मैंने कर दिया, 2 अक्टूबर है। इसके यहाँ पर आपको चेंज करना कि आप मेल है फीमेल है, देखिए बगल वाला है ना मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, तो आपको मेल पर चेंज करना, अगर मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, यानी कि अगर आदमी है तो मेल, अगर औरत तो फीमेल पर क्लिक कर दीजिए। इसके अंदर आपको अपने चूज करना आपका देश कौन सा, मैंने इंडिया चूज कर लिया। इसके अंदर आपको एक क्वेश्चन चूज करना है, देखिए व्हाट इज योर पेट नेम, तो पहला ही आप चूज कर लीजिए व्हाट इज योर पेट नेम, चूज कर लिए। आप क्या हैं, स्टूडेंट हैं, किसी हैं, तो मैं स्टूडेंट कर दे रहा हूँ। अनमैरिड हूँ, मैं अनमैरिड पर क्लिक कर दूँगा, मतलब मेरी शादी नहीं हुई है तो मैं अनमैरिड पर क्लिक करता हूँ। इसके आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है, देखिए यहाँ पर ये जेंडर चूज करना है, यहाँ पर ऊपर आप भूल गया, मैं जेंडर भूल गया, तो आप मेल पे मेल या फीमेल, तो मेल पे मैंने क्लिक कर दिया। इसके अंदर नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करने के बाद में आपको अपने कहाँ रहते हैं आप वो डालना है आपको,
तो आप अपने गांव का नाम डाल लीजिए। अपने गांव का नाम पूरा डाल दीजिए, ऐसे मत डालिए, डाल दीजिए आप जैसे विलेज लिखिए, पहले विलेज में लिख दिया, फिर अकोलिया लिख दिया, विलेज अकोलिया, तहसील लिख दीजिए टी ई एच करिए बस, तहसील बासी, डी आई एस टी डिस्ट्रिक्ट हो गया, सिद्धार्थ नगर, मैं सिद्धार्थ नगर रहने वाला हूँ, सिद्धार्थ नगर लिख दिया, सिद्धार्थ नगर, इसके अंदर आप यूपी लिख दीजिए, यूपी, इसके अंदर अपना पिन कोड 27 21 53, इसके अंदर ये स्ट्रीट है, स्ट्रीट जो लिखा है नीचे वाले ऑप्शन में स्ट्रीट, इसमें आपने अपना गांव लिखना है, आप अपने गांव का नाम यहाँ पर लिख दीजिए, जैसे कि मैंने अपने गांव का नाम लिख दिया, आपको भी अपने गांव का नाम लिख देना है। यहाँ पर एरिया में आपको नीचे वाले ऑप्शन में आपको एरिया में इसके मतलब आपका तहसील क्या है वो लिख दीजिए, मैं तहसील बांसी है तो मैं यहाँ पर बांसी लिख दे रहा हूँ। इसका मतलब सेलेक्ट करना आपके कौन से देश के रहने वाले हैं, तो आप मैं इंडिया सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। आपका पिन कोड डालना 87 81 डाल दिया, इसके अंदर आपको नीचे आ जाना है, इसका सिटी दिख रहा है ना, सिटी आप चूज कर लीजिए, इसके अंदर पोस्ट ऑफिस आपको चूज करना है, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल दीजिए, मैं अपना मोबाइल नंबर डाल दे रहा हूँ, यहाँ पर मोबाइल नंबर मैं डाल दे रहा हूँ, वही मोबाइल नंबर डाल दिया मैंने, डाल दिया, इसके अंदर ये आपको सिटी चूज नहीं किया ना, भूल गया था, सिटी आप सिटी सिद्धार्थ नगर है मेरा, सिटी में कर दे रहा हूँ, सिटी सिद्धार्थ नगर आपको जो होगा वो आ जाएगा। पोस्ट ऑफिस क्या है आपका वो चूज कर लीजिए, पोस्ट ऑफिस चूज कर लीजिए, जो मेरा है पचार बाज़ार, मैं पचार पोस्ट ऑफिस चूज कर ले रहा हूँ, पीछे देखिए पचार है, मैं पचार चूज कर ले रहा हूँ, ऊपर चला गया ये पचार है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोबारा फिर से मांगा जा रहा है, आप सेम वही एड्रेस दे दीजिए, अपने गांव का नाम, तहसील क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, ज़िला क्या है आपका, पिन क्या है, कहाँ रहते हैं, ये सब डालना है आपको। मैं विलेज डाल दूँ, विलेज अकोलिया, तहसील बासी डाल दीजिए, जो आपका वही डालिएगा, मेरा मत डाल दीजिए बासी, डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थ नगर डाल दीजिए, इससे मेरा सिद्धार्थ नगर, तो मैं सिद्धार्थ नगर डाल ले रहा हूँ, अगर आपको जो भी होगा वो डाल दीजिएगा। एरिया स्टेट में भी आप कोई स्टेट एरिया सब छोड़ सकते हैं, पहले डाल चुके हैं इस बार। इंडिया चूज कर लीजिए अपने देश का नाम, पिन क्या आपका पिन चूज कर लीजिए, सिटी क्या आपका जहाँ पर आपका जो सिटी मतलब कि आपको जिला जो है वही चूज करना है, पोस्ट ऑफिस क्या है, पोस्ट ऑफिस में पचार बाज़ार चूज कर ले रहा हूँ, पचार बाज़ार, फ़ोन नंबर वही सेम चूज करना है, फ़ोन नंबर आप दूसरा भी चेंज यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन वो सीमान होना चाहिए जिसके पास आप आपके पास कॉल किया जा सके या आपके पास ओटीपी आ सके। देखिए देखिए कह रहे ना आपका हो गया, यानी कि ये रजिस्टर सक्सेसफुली हो गया है, अब आपके मोबाइल नंबर पे एक ईमेल आईडी भेज मतलब एक ओटीपी भेजेगी, आ गया ना सक्सेस हो गया, ऊपर मैसेज आ गया, देखिए ओटीपी भी आ गया। अब लॉगिन करते समय ये ओटीपी की आवश्यकता पड़ेगी, और आपकी ईमेल आईडी भी एक ओटीपी गई होगी, उसकी भी आवश्यकता पड़ेगी। तो आपने जो अभी बनाया था यूजर आईडी उसको डाल दीजिए, मैंने बनाया था टेक एस एस आर ए, पासवर्ड वही था कैपिटल एस एच वाई ए एम 123 मैंने डाल दिया। इसके अंदर आपको नीचे क्लिक कर देना है, नीचे दिख रहा है लाल का लॉगिन, यहाँ पर ये देखिए लॉगिन, इस पर लॉगिन पे क्लिक कर दीजिए। देखिए लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी गई होगी, आपके ईमेल आईडी पे भी ओटीपी गया होगा, उसको यहाँ पर आपको डालना है। देखिए हो रहा है ना वेरीफाइंग यूजर, यानी कि अभी आपका देखिए आ गया, तो ये लिखा ना वेरीफाई मोबाइल नंबर, वहाँ पर अपने मोबाइल का ओटीपी डालना है, तो मैं डाल दे रहा हूँ, मैंने डाल दिया 3088। इसके अंदर आप अपने देखिए ईमेल पर भी पहुँच गया है ओटीपी, तो ईमेल भी डाल, ईमेल का ओटीपी यहाँ पर डाला है, लिखा ना वेरीफाई ईमेल आईडी, तो आप ईमेल आईडी में चले जाइए, ईमेल आईडी में देखिए ये लिखा है 72 48 98 72 48 98, इसे आप क्लिक कर देना, वेरीफाई पे क्लिक कर दीजिए। इसके अंदर पर आपको अब हो गया वेरीफाई हो गया, आपको अपने यहाँ पर साइन इन करना है, यूजर आईडी ऊपर डालिए, नीचे पासवर्ड डाल दीजिए, और नीचे जो ऑप्शन लिखा लाल सा, इस पर लॉगिन, इस पर लॉगिन पे क्लिक कर दीजिए। देखिए हो रहा ना वेरीफाइंग यू आर नॉट रोबोट भी वेरीफाई हो जाएगा, देखिए वेरीफाइंग यूजर हो रहा है, अभी हो जाएगा। अब आपको एक पासवर्ड चूज करना है 4 अंकों का, कोई पिन चूज कर लीजिए,
तो आप कोई पिन चूज कर, मैंने 111 चूज कर लिया, 111 चूज कर लिया। इसके बाद सबमिट नीचे उस पर क्लिक कर दीजिए, ओके पे क्लिक कर दीजिए। देखिए अब हो चुका है आपका। अब ऐसे को आपको टिकट बुक करना है। अब यहाँ से आप टिकट बुक कर सकते हैं। देखिए लिखा ना प्लान माई जर्नी, इस प्लान माई जर्नी पे क्लिक करके आप अपना टिकट बुक कर सकते हैं। थोड़ा सा देखिए ऐड आ रहा है, नो प्रॉब्लम। इतना हो जाने के बाद में आपको क्लिक करना है प्लान माई जर्नी, इस पर क्लिक कर दीजिए। दिल्ली जा, दिल्ली से जाएगा दिल्ली चूज कर लीजिए। दिल्ली के बाद में आपको कहाँ जाना है, मुंबई, तो मैं मुंबई जाना है तो मुंबई चूज कर लीजिए, मुंबई सेंट्रल MMCT। इसके बाद आपको डेट चूज करना है, मैं 13 डेट को चूज कर ले रहा हूँ। यहाँ से आकर 13 को ओके कर दिया। फ्लेक्सिबल माई डेट पर सर्च ट्रेन पर क्लिक कर लीजिए। इसके आपको ट्रेन पर क्लिक करना है, इसके बाद 3A पर क्लिक कर दीजिए। देखिए 3A में दो सीट खाली है, एक 13 को एक 17, तो मैं 13 को चूज कर ले रहा हूँ। 13 चूज करने के बाद नीचे आपसे ना बुक नाउ, बुक नाउ पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद कन्फर्म पर क्लिक करना है आपको, कन्फर्म पर क्लिक कर दीजिए। मैंने कन्फर्म पर क्लिक कर दिया। देखिए दे रहा ना पनवेल तक जाएगा, हम दिल्ली से पनवेल तक, पनवेल मुंबई, फिर ओके पर क्लिक कर दीजिए। ओके क्लिक करने के बाद आपको अपना नाम, कौन सा पैसेंजर, पैसेंजर का नाम डालना है, तो ऐड पैसेंजर पर क्लिक करने के बाद में अपना नाम डाल दीजिए, आपका एज कितना है, आपकी आयु कितना है, आपका जेंडर क्या है, मेल। इसका नो प्रेफरेंस चूज कर लीजिए, लोअर मिडिल अपर कुछ भी चूज कर सकते हैं, नो प्रेफरेंस कैसे भी पहुँच जाए। इसके अंदर अदर प्रेफरेंस, यह है रेजिजन चॉइस, इस पर आपको क्लिक करना है। बुक ओनली इफ़ आल है, पहले वाले नन को छोड़ के दूसरे वाले पे आपको क्लिक करना था। इसमें नीचे ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है आपको, रेड वाला जो ऑप्शन दे रहा है। इसके अंदर आपको देखिए कि आप पैसा कैसे चूज करना चाहते हैं, पैसा कैसे जमा करना चाहते हैं। तो मैं भीम UPI यूज करना चाहता हूँ, तो UPI आप डेबिट कार्ड यूज कर सकते हैं, ATM यूज कर सकते हैं। ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके मैं नीचे क्लिक कर दिया। अब आपको पैसे कटाने हैं, 1894 रुपये लगेंगे। वेरीफाई कर रहा है कि आप रोबोट नहीं हैं, तो उस पर आप वेरीफाई यू आर नॉट रोबोट, इस पर क्लिक करके देखिए हो गया। अब नीचे आपको क्लिक करना है, पे पर क्लिक करना है, नीचे क्लिक कर दीजिए। नीचे वाले ऑप्शन ये रिकॉर्ड दिख रहा है, ये DU रिकॉर्डर लिखा है ना, इसके नीचे है, थोड़ा दिख नहीं रहा है इसके। इसके अंदर ऊपर आप भीम UPI या मल्टीपल आप ATM को यूज कर सकते हैं, तो मैं भीम UPI यूज करता हूँ। भीम UPI पे क्लिक कर दिया, फिर नीचे वाले रेड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद में देखिए आ गया भीम UPI। आप ATM से पैसा कटा सकते हैं, भीम UPI की यूज सकते हैं। अगर आप इस भीम UPI में अपना मोबाइल नंबर @PayTM डालेंगे तो PayTM से पैसा कटेगा। तो मैं अपना मोबाइल नंबर डाल दे रहा हूँ, 9670477@PayTM। तो PayTM से कट जाएगा पैसा, PayTM में जाएगा मैसेज, वहाँ से कट जाएगा। अगर PayTM यूज करना नहीं चाहता, मैं फ़ोन पे यूज करना चाहता हूँ, तो YBL लिख दे रहा हूँ। YBL लिखने के बाद में पे क्लिक करना है। देखिए जो मोबाइल नंबर आपका फ़ोन पे बना है ना, वही मोबाइल नंबर लिख के YBL लिख दीजिए, फ़ोन पे हो जाएगा आपका मोबाइल नंबर @YBL। तो ये हो जाएगा फ़ोन पे, फ़ोनपे में जाए, अब फ़ोनपे में आपके मैसेज पहुंच गया, वहाँ से पैसा कटा दीजिए। 4 मिनट बाद एक्सपायर होने वाला है।